दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। रिलायंस जियो की तरफ से आप सबों के लिए गुड न्यूज़ है कि रिलायंस जियो ने एक प्लान लॉन्च किया है। जी हां, उस प्लान में आप जो है एक महीने तक का आप रिचार्ज कर सकते हैं। जी हां, एक ऐसा प्लान लॉन्च किया गया है जिनके जरिए आपका वैलिडिटी एक मंथ दिया जाएगा, नहीं 28 दिन, नहीं 23 दिन, आपका जो है पूरे के पूरे एक महीने दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देता हूँ। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे हम देखिए माई जियो एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद रिचार्ज वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको रिचार्ज दिखेंगे। तो जब आप यहाँ पे 1.5 GB वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक मंथ का आप लोग रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 259 रुपये में आप लोग जो है एक मंथ की वैलिडिटी मिलेगी और 1.5 GB पर डे दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पैक वैलिडिटी आपको एक मंथ पूरा दिया जाएगा। जैसे कि एक मंथ में कभी 28 महीना लगता है, कभी 30 लगता है, कभी 31 लगता है, तो आपको नहीं 30 दिया जाएगा, नहीं 31, नहीं 28, पूरे के पूरे एक महीना। अगर मान चलिए अगर आप 5 अप्रैल को रिचार्ज करते हैं तो आप 5 मई का आपका रिचार्ज समाप्त होगा। जी हाँ, पूरे के पूरे एक महीने आप रिचार्ज का मजा ले सकते हैं। देख सकते हैं पैक वैलिडिटी पूरे एक मंथ का है और यहाँ पे आपको 1.5 GB पर डे दिया जाएगा और यहाँ पे 100 SMS पर डे यहाँ पे दिया जाएगा। वॉइस कॉल अनलिमिटेड है और यहाँ पे जियो TV, सिनेमा और जियो सिक्योरिटी, जियो क्लाउड का भी आपको फीचर यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे एक और प्लान है, देखिए 239 रुपये का, ये 28 दिन के लिए है और 1.5 GB इसमें पर डे है। इसी में 20 रुपया एड करके एक नया प्लान बनाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 259 रुपया, और अब आप लोग जो है पूरे एक मंथ के साथ आप रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अप्रैल 1 तारीख को रिचार्ज करते हैं तो आने वाले समय में मई में जो है 1 तारीख को ही आपका वैलिडिटी समाप्त होगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक टेलीकॉम कंपनियों को इन्फॉर्मेशन दिया था कि आप लोग 23 दिन का रिचार्ज रखते हैं, 24 दिन का रखते हैं, 28 दिन का रखते हैं, आप लोगों को जो है एक मंथ का भी रिचार्ज रखना चाहिए ताकि ग्राहक को रिचार्ज करने में सुविधा हो। अभी टेलीकॉम कंपनियों को ये इन्फॉर्मेशन दिया गया था। फाइनली सबसे पहले जियो बाजी मारी है, अब देखना यह है कि क्या एयरटेल भी एक मंथ का वैलिडिटी के साथ रिचार्ज का प्लान निकालती है और VI भी निकालती है। फाइनली अब जियो के तरफ से आप लोग जो है एक महीने का रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये वीडियो में इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल